हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो दोस्तों, इसने कहा m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर, तो हम कुल का मान निकाल लेंगे। कुल का मान क्या आएगा, m n स्क्वायर। तो हमारे पास आगे दे रखे n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो यहीं पर हम कुल का मान निकाल लेंगे, इसकी गुणा हो जाएगी n m स्क्वायर। अब पूछा गया इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या होता है दोस्तों, इनका औसत होता है एम एन स्क्वायर प्लस में एन एम स्क्वायर बटे में एम प्लस में एन, ये होता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक एम और एक एन कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि एम एन कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, एम प्लस में एन, और नीचे क्या है एम प्लस में एन। इस एम प्लस एन से ये एम प्लस एन कट जाएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास आया एम प्लस एम एन। यही क्या हमारा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट।